नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला सीतामढ़ी रिपोर्टर दीपक पटेल। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सुपी प्रखंड के मोहनी मंडल पंचायत वार्ड नंबर 10 की ग्राम डुभा घाट की तस्वीरें हैं। यहाँ पे प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी काफ़ी रौनक त्यौहार में देखी जा रही है। बताते चले, ये जो दंड करते हुए माता छठी माता के भक्त घर से चलते हैं, ये नाप वाई नाप से पूरे लेट लेट के और इनकी जो मन्नत होती है सारी पूर्ण होने के बाद में ये दंड बैठक करके इनको घाट तक जाना होता है। प्रत्येक साल लोगों अपने अपने मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण हो जाती है। बिहार के मैं बताते चलूं कि सबसे बड़ा छठ त्यौहार माना गया है और इन छठी माता में शक्ति भी है। और इस छठी माता त्यौहार में बाहर जो भी ग्रामवासी रहते हैं वो सब एक आशा एक उम्मीद रखते हैं कि छठ त्यौहार में हम अपने घर वापस चलेंगे, वहाँ पे धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे। छठ पूजा मनाने के लिए ये लोग काफ़ी दूर रहते हुए भी छठ त्यौहार में घर लोग चले आते हैं। और अभी मैं बताते चलूं कि यहाँ पे 1000+ लोग होंगे एक घाट के किनारे। यहाँ पे मोहनी मंडल के भी कुछ ग्राम के यहाँ लोग आते हैं और दूसरे घाट पे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि ये लेट लेट के नाप से देखिए किस प्रकार से एक लकड़ी होता है इनके हाथ में, उससे नापते हैं लेट करके और दंड बैठक करते हुए इनको घाट तक आना होता है। अभी फ़िलहाल मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ मोहनी मंडल डुभा घाट की है। यहाँ पे लोगों की संख्या काफ़ी है, बड़े ही धूमधाम से ये पटेल समाज की, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं अभी पटेल समाज की है। इस घाट पे विशेष करके पटेल समाज की संख्या यहाँ ज़्यादा है और पटेल समाज के त्यौहार जो यहाँ एक अलग रौनक देखी जाती है। और यहाँ पे सभी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, कानू साह भी हैं, तेली भी हैं और ठाकुर जो हजाम नहीं बोलते हैं वो लोग भी हैं, सभी हैं। लेकिन ये अधिक संख्या यहाँ पे पटेल का होता है और पटेल का ये छठ त्यौहार यहाँ पर एक और अलग जो कहते हैं रौनक देखने को मिलता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये मस्ती भी करते रहते हैं, लड़के लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और दूर दूर से आते हैं। जब एक दूसरे का मिलन होता है यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है मिलना जुलना भी, और त्यौहार में भी काफ़ी रंगत आ जाती है।